बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल कुज़ैन विद शायदा। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह मेरा खुलूस, मेरी दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए और हमें खुशियों से और सेहत से माला माल रखे, आमीन। कुज़ैन विद शायदा में आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ विंटर की मोस्ट पॉपुलर डिश मिक्स वेजिटेबल्स की। मेथी मैंने ली है जी एक पाव और आलू मैंने लिए हैं हाफ के जी और मटर भी हाफ के जी हैं और गाजर मैंने एक पाव ली है और इसमें प्याज जाएगा जी स्मॉल साइज़ का, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है और टमाटर एक मीडियम साइज़ का, इसे भी बारीक चॉप कर लिया और एक टेबलस्पून इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्ची मैंने ली है जी चार अदद, इसमें जाएंगे। मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और साथ आपको बताती जाऊँगी, तो चले बढ़ते हैं इसकी तैयारी की जानिब। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इसमें ऑयल डालूंगी मैं 3 टेबलस्पून। ऑयल गरम हो चुका है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी प्याज। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया और मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इस पेस्ट के साथ ही ऐड कर देंगे जीरा, इसे लाइट ब्राउन करेंगे और फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो प्याज हमने डाला था उसका कलर लाइट ब्राउन हो गया और अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ और साथ ही जो स्पाइसेस इसमें ऐड करनी है, सॉल्ट भी इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून और सूख मिर्च इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं इसलिए सूख मिर्च मैं इसमें कम ही डालूंगी। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी हल्दी का और अब साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी मैं मेथी। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ जी 1/2 कप। इसमें पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसको लिड लगा के पकने के लिए रख दूंगी। फ्लेम मैंने इसका स्लो कर दिया, यहाँ जिसे पकते हुए 10 मिनट हो गए, अभी देखो पानी इसका लिस्ट हो गया। और अब इसमें मैं डालूंगी कि ये दूध 4 टेबलस्पून के करीब दूध है और ये डाल के आँच मैंने तेज़ कर दी है और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। दूध डालने का ये फ़ायदा कि मेथी में जो कड़वाहट है बच्चे नहीं खाते हैं, इस तरह अगर थोड़ी भी कड़वाहट हो उसमें तो मैं दूध डाल के तो उसको भून लेती हूँ, बहुत इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। दूध डालने के बाद मैंने मेथी को बहुत अच्छी तरह से भून लिया और ये देखें इसने ऑयल छोड़ दिया। अब इस स्टेज पे हम अपनी बाकी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी ऐड कर देंगे एक साथ ही, क्योंकि सबका जो कुकिंग टाइम है वो एक जितना ही है। और इसमें मैं डाल दूंगी जी पानी, ये 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है और इसको मिक्स करके तो मैं इसको रख दूंगी मीडियम आंच पे और ये बस इसी पानी में गल जाएंगे बेहतरीन हमारी वेजिटेबल्स। इसको बस मैं अब कवर करके तो रख दूंगी। यहाँ जी 15 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए और अब मैं इसका नमक भी चेक कर लूँगी, पानी इसमें थोड़ा सा रह गया, इस स्टेज पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। नमक थोड़ा सा कम है, मैं इसमें 1/2 टीस्पून और डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस ऐड करें। तो बस पानी हमारा खुश्क हो चुका है वेजिटेबल्स का। तो व्यूवर्स ये है जी आज की हमारी डिश की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सकें। और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर क्लिक किया करें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला हमें भी आसानियाँ अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। किसी और अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।